वीडियो में मैं आपके साथ नर्वसनेस को कंट्रोल करने की 10 ऐसी टिप्स शेयर करूंगी जो काफी ज्यादा प्रैक्टिकल है, इंस्टेंटली वर्क करती है, आपने इनको ट्राई करके देखना है। पहली जो नर्वसनेस कंट्रोल करने के लिए आपको मैं टिप्स सजेस्ट करूंगी, इट इज के आपने एक्सेप्ट करना है। क्या एक्सेप्ट करना है? कि नर्वसनेस इज नॉट बैड। लोगों को लग रहा है कि हम नर्वस हो रहे हैं, पता नहीं क्या हो रहा है, ये बहुत बुरा साइन है, लोग क्या सोचेंगे, दिस दैट, वो खुद ही इस चीज को एक बहुत नेगेटिव वे में सोचते हैं। तो इसके लेकर आपने इतना नेगेटिव नहीं होना है, ये जस्ट एक इमोशन है। और जब आप नर्वस हो रहे हो, होना नेचुरल सी बात होती है कि कुछ भी आप नया कर रहे हो, आप जिस चीज में इतना एक्सपीरियंस नहीं हो, आप नर्वस होंगे। और वहां पे उस चीज को एक्सेप्ट करना सबसे ज्यादा जरूरी है, ताकि आपका ब्रेन और आपकी बॉडी सही तरीके से रिएक्ट कर सके। तो उसके लिए आपने इस चीज को एक्सेप्ट करना है। सेकेंड थिंग इज थिंक अबाउट योर पास्ट सक्सेस, कि आपके पास्ट में, बीते हुए कल में, जिन भी चीजों में आपको कामयाबी मिली है, जिन भी चीजों में आपने सक्सेस ली है, उन सब चीजों के बारे में आपने सोचना शुरू करना है। सोचना क्यों है? क्योंकि ये चीज आपको कॉन्फिडेंस देगी, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है बूस्ट होगा, जो उस सिचुएशन के लिए बहुत जरूरी है होना जिसके आप नर्वस हो रहे हैं। तो आपने अपने पास्ट की सक्सेस को जो है याद करना है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी इंटरव्यू में जा रहे हो, या आप कोई स्पीच डिलीवर कर रहे हो, या कुछ भी आप ऐसा नया कर रहे हो, या थोड़ा बहुत आपने पहले भी किया हुआ है, बट स्टिल अभी आपको नर्वसनेस हो रही है, तो पास्ट में जितनी भी चीजों में आपको सक्सेस मिली है, जिनमें आप खुश थे, आपने सेलिब्रेट किया, उन सब मोमेंट्स को आपने क्या है, याद करना। थर्ड थिंग इज ट्राई टू बिहेव नॉर्मल। आपने नर्वसनेस में नॉर्मल बिहेव करने की कोशिश करनी है, जितना ज्यादा आप नॉर्मल बिहेव कर सकते हो। आपने दूसरे लोगों को बस यही शो करना है कि सब ठीक है, सब नॉर्मल है, नॉर्मल आपने एक्ट करना है। जब आप नॉर्मली एक्ट करना शुरू करोगे ना, देखो आपके एक्शन बहुत सारी चीजें शो करते हैं। जब आप एक्शन ही ऐसा लोगे जिसमें आप ये प्रिटेंड कर रहे हो कि सब नॉर्मल है, देन उस मोमेंट पे दूसरे लोगों के लिए भी ये बिलीव करना इजी रहता है कि सब नॉर्मल है। तो इसलिए आपने क्या है, नॉर्मल एक्ट करना है कि सब नॉर्मल है। इसके बाद नेक्स्ट चीज जो आपने ट्राई करनी है ना, डेफिनेटली ट्राई करनी है, जब भी आप नर्वस हो रहे हो, इट इज डोंट इमेजिन बैड। आपने कुछ भी बुरा जो है इमेजिन ही नहीं करना है। बस आपने यही कोशिश करनी है कि जितने भी आपके थॉट्स हो ना, वो उस सिचुएशन में पॉजिटिव ही हो, अच्छे ही हो। क्योंकि क्या होता है, फियर और नर्वसनेस ये एक ऐसा इमोशन है जो अगर आप जिसमें नेगेटिव हो गए ना, ये आपकी सिचुएशन को और भी वर्स बना देगा। क्योंकि पहले ही आप उस इमोशनल इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, वो इमोशन आपके ऊपर हैवी हो रहा है। ये जो डर है या नर्वसनेस है, ये जो इमोशन होते हैं, ये पहले ही आपके ऊपर हैवी हो रहे हैं। तभी तो आप ये वीडियो देख रहे हो कि इनको कंट्रोल कैसे करना है, उस वक्त आप किन किन चीज़ों को ट्राई कर रहे हो। तो जैसे आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, देन मेक श्योर कि आप कुछ भी बुरा इमेजिन ना करें कि अगर क्लियर नहीं हुआ, उन्होंने मेरे से ये पूछ लिया, मेरे को जवाब नहीं आया, या मेरा उनके साथ आर्ग्यू हो गया, उन्होंने ऐसा बोला तो मैं ऐसा बोल दूंगा, कुछ आपने नेगेटिव इमेजिन नहीं करना है, जस्ट आपने पॉजिटिव इमेजिन करना है। फिर चाहे चीजें आपके साथ अच्छी हो ना हो, वो बात की है, पहले आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी रहे, उसके लिए इट्स बेटर कि आप कुछ भी बुरा इमेजिन ना करें। सिक्स नंबर पे जो मैं आपको रिकमेंड करूंगी, इट इज स्पीक स्लोली, काम विद प्रॉपर पॉजेस। इसका रीजन क्या है? देखो, जब भी इंसान नर्वस होता है ना, तो वो दो तरीके से वो रिएक्ट करता है। कुछ लोग क्या है, बहुत तेज बोलने लग जाएगा। जब वो नर्वस होंगे ना, वो बहुत तेज बोलेंगे, मतलब आप इवन वो चीज फील कर पाओगे। और कुछ लोग जब नर्वस होते हैं, बहुत ही ज्यादा स्लो या एकदम से चुप ही कर जाते हैं। उनको आप बोलोगे कि क्या हुआ या कुछ भी, वो बोलते ही नहीं है, उनको समझ नहीं आता है कि बोलना क्या है या कैसे बोलूं। तो ये दो तरीके से जो है इंसान नॉर्मली रिएक्ट करते हैं जब वो नर्वस होते हैं, या तो बहुत तेज बोलेंगे या फिर बोलेंगे नहीं। तो वैसे भी आपने पहला पॉइंट एक था ना कि नॉर्मल आपने शो करना है कि सब नॉर्मल है, उस हिसाब से देखा जाए तो आपने, अगर आप बहुत तेज बोलते हो, देन ट्राई, मोस्ट ऑफ द टाइम लोग तेज ही बोलते हैं, ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो एकदम शांत हो जाते हैं जब वो नर्वस होते हैं, तो आपने स्लोली बोलना है। इतना स्लोली भी नहीं, मतलब नॉर्मल लेवल पे। कोशिश करनी है कि आप अपनी स्पीड जो भी आपकी बोलने की है, इसे थोड़ा सा स्लो रखें, प्लस काम दें।
काम एंड काइंड एटीट्यूड आपका झलकना चाहिए जब भी आप नर्वस हो रहे हो उस सिचुएशन में, जब आप बोल रहे हो, जब भी आप कम्युनिकेट कर रहे हो। प्लस पॉजेस मस्ट, कि आपने पॉजेस प्रॉपर लेने, जैसे ऐसे नहीं है कि आप एकदम से ऐसे बोलते जा रहे हो जैसे आप कोई बुक पढ़ रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रॉपर पॉजेस आने चाहिए जो भी आप बोल रहे हो। नेक्स्ट थिंग इज एक्ट लाइक योर कॉन्फिडेंट, आपने इस तरीके से रिएक्ट करना है कि आप कॉन्फिडेंट हो। और ये कैसे पॉसिबल है? ऑफकोर्स आपकी बॉडी लैंग्वेज से। आउटर पर्सनैलिटी प्लेज रियली वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन सब सिचुएशंस में। जब भी आपको कॉन्फिडेंट दिखना है, आप अच्छे तरीके से अच्छे कपड़े पहन के जाओ, सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपका ड्रेसेस अच्छा होना चाहिए। उसके बाद आपका हेयर स्टाइल वगैरह हो गया, वो सारी चीज़ें जो होती हैं रामजाम वाली, वो सारी आपने अच्छी रखनी है। आपकी बॉडी लैंग्वेज, कि आपके शोल्डर कैसे होने चाहिए, अट्रैक्टिव बॉडी लैंग्वेज, ऊपर आई बटन में वीडियो का लिंक है, आप उसे देख सकते हैं कि आप कॉन्फिडेंट कैसे दिखेंगे, उसमें डिटेल में समझाया है। बेसिक यही है कि आपने ऐसे बिहेव करना है, आपकी बॉडी लैंग्वेज कुछ ऐसी होनी चाहिए कि आप कॉन्फिडेंट हो। ऐसे नहीं कि आप बहुत डरे पड़े हो, सामने वाले को क्लियरली दिख रहा है कि आप ऑलरेडी नर्वस हैं और आप बहुत डरे हुए हैं, और फिर वो चीज़ क्या है, वो और भी ज़्यादा आपके ऊपर हावी हो। तो आपकी बॉडी लैंग्वेज कुछ ऐसी होनी चाहिए, आप कॉन्फिडेंट हैं, आप रेडी हैं चीज़ों को फेस करने के लिए, आपके एटीट्यूड में ये चीज़ जो है दिखनी चाहिए। नेक्स्ट जो चीज़ है ये भी आपके बॉडी लैंग्वेज के साथ ही रिलेट कर दी है। इसमें क्या है कि डोंट लूज आई कॉन्टैक्ट, आपका आई कॉन्टैक्ट कभी भी नहीं जाना चाहिए। अगर आप पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हैं, मेक श्योर ऑडियंस के साथ आपका आई कॉन्टैक्ट जो है बना रहे। इंटरव्यू दे रहे हैं तो उनके साथ अपना आई कॉन्टैक्ट आपने लूज नहीं होने देना है। जो लोग आपका इंटरव्यू दे रहे हैं, जिस भी इंसान से आप बात कर रहे हो, आप कम्युनिकेट कर रहे हो, मेक श्योर आपका आई कॉन्टैक्ट जो है लूज ना करे। क्योंकि जब आपका आई कॉन्टैक्ट लूज कर जाता है ना, उस मोमेंट पे आप सामने वाले को एक अच्छा चांस दे रहे हो, एक अच्छा मौका दे रहे हो कि वो आपको अच्छे तरीके से जज करे, ऑब्जर्व करे, जिसमें क्लियरली ये पता चलेगा कि आप नर्वस हो रहे हो। अगर आप कैमरा फेस कर रहे हो, मेक श्योर आई कॉन्टैक्ट हो, आई कॉन्टैक्ट लूज जो है नहीं होना चाहिए। और आई कॉन्टैक्ट के लिए वन स्टेप फार्मूला, थ्री स्टेप फार्मूला है। आई कॉन्टैक्ट अगर आपने इम्प्रूव करना है, आई बटन में आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, उसमें आपको आई कॉन्टैक्ट का पूरा कंसेप्ट आराम से अच्छे तरीके से समझ में भी आ जाएगा। नेक्स्ट इज कि टेल योरसेल्फ इट्स ओके इफ यू फेल। हम ये नहीं बताते, हम अपने दिमाग को पहले ही ना एक वहम में रखते हैं, एक इमेजिनेशन में, एक झूठ में, कि अगर आप पॉजिटिव हो रहे हो कि हाँ ये इंटरव्यू क्लियर होगा, उसके बाद ये होगा, वो होगा, ये सब पॉजिटिव होना ठीक है, बट लाइफ क्या है, हर एक चीज़ क्या है, एक सिक्के के दो पहलू की तरह है, उस पर कुछ भी हो सकता है, राइट। अगर आप पास हो सकते हो तो उतनी ही पॉसिबिलिटी है कि आप फेल भी हो सकते हो। जब आप खुद को शुरुआत से ही ये बता के चलोगे कि इसमें मेरे को सक्सेस ही मिल रही, जब आप फिर फेल हो जाओगे तब आपको दिक्कत होनी है, अफकोर्स होनी है, वो चीज़ आपके माइंड को इफेक्ट करेगी। तो नर्वसनेस क्या है, ये एक इमोशन है जिसमें आप क्या है, जब आप नर्वस हो जाते हो, ऑब्वियसली बात है कि वो चीज़ आपकी प्रेजेंटेशन के ऊपर इम्पैक्ट डालेगी, ठीक है। जो भी आप आगे सिचुएशन को फेस करोगे जिस हिसाब से, उसके ऊपर उसका इम्पैक्ट होगा। तो आपने क्या है, खुद को बताना है कि इट्स ओके अगर मैं इस चीज़ में फेल भी हो जाता हूँ। कुछ ऐसा नहीं है कि आप इसके बाद मर ही जाओगे, राइट। जब हम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे देते हैं ना किसी चीज़ को, तो हमें लगता है कि उसमें हम बहुत ही बेस्ट करें अपने, मतलब तो बहुत ही परफेक्ट, इतना परफेक्ट कुछ है ही नहीं। परफेक्शनिज्म क्या, कोई आपका इसका कोई एग्जैक्ट आपके पास कोई डेफिनेशन है ही नहीं कि हाँ वो किसी की नज़र में कुछ परफेक्ट है, किसी की नज़र में सेम टाइम पे कुछ परफेक्ट है। तो परफेक्शनिज्म में आपने आना नहीं है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस उस चीज़ को देनी नहीं है। और प्लीज़ ये इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट कि खुद को ये बताकर चलो, झूठ मत बोलो खुद से। अगर सक्सेस होने के चांसेस है तो फेल होने के चांसेस भी हैं, और खुद को ये बताओ कि इट्स ओके अगर आप फेल भी हो जाते हो। 9th नंबर पे जो है बहुत सिंपल है बट प्रैक्टिकल है, इंस्टेंटली वर्क करता है, इट इज ड्रिंक वाटर। अपनी बॉडी को आपने हाइड्रेट रखना है। अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, ठीक है, उस रूम में एंटर करने से पहले आप अच्छे से पानी वगैरह पीकर जाना है। ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करो एटलीस्ट 10 times। क्यों? क्योंकि इससे क्या है, आपका हार्ट रेट नॉर्मल होगा, आपकी बॉडी थोड़ा सा नॉर्मल फील करेगी, आपके ब्रेन के लिए ये चीज सही होगी, ओके। तो आपने क्या है, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट करना है एटलीस्ट 10 times, प्लस आपने अच्छे से अपना पानी वगैरह पीकर जाना है, सो दैट आपकी बॉडी जो है डिहाइड्रेट ना हो।
हाइड्रेटेड अपने अपनी बॉडी को जो है रखना है, और ये चीज आपको प्रैक्टिकली हेल्प करती है इन सब चीजों में, जब आप डर जाते हो या जब आप नर्वस हो जाते हो उनको कंट्रोल करने। और नंबर 10 लास्ट वन, और अगर कुछ नहीं हो रहा है ना तो आप इस चीज को ट्राई कर सकते हैं जब भी आप नर्वस हो रहे हो, इट इज स्पीक विद ऑनेस्टी। आपने ऑनेस्टी के साथ बात करनी है, जो भी आप बोल रहे हो, जो भी आपके थॉट्स है, अगर आपको ये सब कुछ मतलब हो नहीं रहा है, बॉडी लैंग्वेज के ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहे हो, आई कॉन्टेक्ट लूज हो रहा है, या यू नो अभी एक्सपीरियंस की बहुत ज्यादा कमी है, देन एक ही चीज है कि आप ऑनेस्टी के साथ बात करो, बिकॉज ऑनेस्टी इज समथिंग जो हर एक को जो है अट्रैक्ट करती है। प्लस जो इंसान ऑनेस्ट होता है ना, ऑनेस्टी के साथ बोलता है, सामने वाले के दिल को बात वो छू जाती है। अगर आप किसी इंटरव्यू में भी गए हो, इट डजंट मीन कि आप उनके साथ ऐसे बात करो जैसे वो आपके ताऊ मौसी चाची लग रहे हैं, ऐसा नहीं, फॉर्मेलिटीज रखो, बट जो भी आप अपने थॉट्स एक्सप्रेस करोगे, जो भी आप बात रख रहे हो अपनी, मेक श्योर वो ऑनेस्टी के साथ, बिकॉज ऑनेस्टी क्या है, हर एक को उस चीज का पता चल जाता है, वो एक फीलिंग है, वो एक वाइब है जो दूसरा इंसान कैच कर पाता है। तो वो आपकी जो भी बात बोलोगे ना, आप ऑनेस्टी के साथ बोलोगे, अच्छे तरीके से बोलोगे, मैनर्स के साथ बोलोगे, तो वो सामने वाले के दिल को छू ही जाएगी। ओके, सो आप इस चीज को जो है ट्राई कर सकते हैं ऐसे सिचुएशन में जब आपके लिए कुछ भी वर्क जो है नहीं कर रहा। तो गाइस ये थी आज की वीडियो, टोटल 10 टिप्स मैंने आपके साथ शेयर करी हैं जो ऐसे सिचुएशन में आपको हेल्प करती है जब आप नर्वस हो जाते हो, इन्हें आप ट्राई करके देख सकते हैं। बाकी नर्वसनेस से रिलेटेड और भी वीडियोस हैं, प्लेलिस्ट आपको दिख जाएगी, वहां से आप चेक कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं देन क्लिक ऑन सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।